प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि ना सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि बात होगी सनातन धर्म की और खासकर एक्स मुस्लिम के बारे में, यानी बहुत सारे लोग इस्लाम मजहब को छोड़ रहे हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। अगले 10 साल फिर ममता बनर्जी को कोई हरा नहीं सकता, इसलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि सीए होना चाहिए। और याद कीजिए कि 2011 में खुद श्रीमती ममता बनर्जी ने भी लोकसभा स्पीकर के मुंह पर पेपर फेंका था और कहा था कि नहीं, एनआरसी और सीए करिए आज, क्योंकि वो उसी मेमो पर चल रही हैं, उसी लिखे हुए सारी चीजों पर चल रही हैं जो कभी लेफ्ट फ्रंट चल रहा था। आप, मैं ये भी बताना चाहूंगी आपको कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार में एक मंत्री ऐसे हैं जो पाकिस्तान पेशावर के हैं। अच्छा जी, मैंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उन मंत्री के ऊपर करके रखा है जिन्होंने अपने कुछ मुस्लिम दलालों को मेरे पीछे भी लगाया है, मुझे मलाइंग करने के लिए, मुझे डिफेम करने के लिए, रेप की धमकी के लिए। पर आई एम नॉट स्कैरी कैट, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, लेकिन ये सच में सामने लाकर रहूंगी और पूरे भारत के सामने लाकर रहूंगी कि तृणमूल कांग्रेस में एक मंत्री है जिसका पूरा परिवार तृणमूल कांग्रेस के पद अधिकारी बनकर बैठा है, पर उसका एंसेस्टर और उसके परदादा लकड़दादा पाकिस्तान पेशावर के हैं। अच्छा जी, आपने ऐसी एक बात हाल ही में प्रियंका गांधी के बारे में भी कही थी, उनको भी आपने एक्सपोज किया था कि जो मौलाना तौकीर रजा है जो उत्तराखंड में बहुत बवाल मचाने की कोशिश कर रहे हैं, दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या किस्सा है जरा डिटेल में बताइए गांधी फैमिली से रिलेटेड। देखिए, गांधी फैमिली का सबको पता है, किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है। फिरोज गांधी को गांधी का टाइटल किसने दिया, खान से, ये भी सबको पता है। सत्ता के लोभ, सत्ता का लोभ कैसे पारसी मुस्लिम को हिंदू बनने पर मजबूर कर दिया, ये भी सबको पता है। नूर साहब जब एजुकेशन मंत्री बने, उसके बाद उन्होंने कितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस खोले, ये भी सबको पता है। प्रियंका वाड्रा कभी कभी बिल्कुल आउट ऑफ मार्केट हो जाती हैं और मीडिया से गायब हो जाती हैं, और जब वो मीडिया से गायब होती हैं तो सूत्रों से यही पता चलता है कि या तो तौकीर रजा जैसे भड़काओ बाज मुफ्ती के साथ वो बैठी होती हैं, या तो कुछ चाइना वालों के साथ वो बैठी होती हैं, यही पता चलता है। अच्छा, जो खानदान इंदिरा गांधी से लेकर के, राजीव गांधी से लेकर के, राहुल गांधी से लेकर के, हर कोई अफगानिस्तान बाबर के खबर पर फूल चढ़ाने जाता है, वो खानदान अब दोबारा सत्ता पे नहीं बैठ सकता है। प्रियंका वाड्रा की सिर्फ शक्ल इंदिरा गांधी जैसी है और हेयर स्टाइल इंदिरा गांधी जैसा है, पर इंदिरा गांधी जी के जमाने में जो जनता थी वो जनता अब बहुत स्मार्ट हो चुकी है, वो जनता अब बहुत शिक्षित हो चुकी है। हमारा भारत 79% शिक्षा में है, अब वो लोग नहीं बचे हैं कि आप साधु स्लॉटर करवाइएगा और उन्हीं के वोट से जीत करके आप प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठिएगा और लोग फिर भी आपको वोट देंगे और आपके गले में फूल का माला डालेंगे। ये प्रियंका वाड्रा को अब याद रहना चाहिए, और उसका नतीजा हमने 3 दिन पहले देखा है, अमेठी छोड़ दिया पूरे गांधी परिवार ने। सोनिया गांधी तो इलेक्शन के मैदान में अब उतरना भी नहीं चाहती हैं, उन्होंने तो राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल कर दिया, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि अब जनता से जीतना नामुमकिन हो चुका है। प्रियंका वाड्रा की बहुत अच्छी तालुकात तौकीर रजा से है। जब भी तौकीर रजा जैसे लोग, या आपके यहां घाटकोपर से जो अरेस्ट हुआ सलमान, तो ये जैसे लोग आखिर कांग्रेस के ही एक्वेंटेंस या फ्रेंड ग्रुप में क्यों नजर आते हैं, ऐसी क्या बात है? ये भड़काओ भाषण वाले लोग, हमारे देश के विरोधी लोग कांग्रेस के दफ्तर में या गांधी परिवार के बंगलों में क्यों नजर आते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हम सबको सोचना चाहिए। इस्लाम के नाम पर तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन खोला, पर इस्लाम का तो कहीं पर प्रचार किया नहीं उसने। उसके भाई फैज का एक मार्केट टूटा जो अवैध निर्माण था, और उसके बाद फिर उसने जेल भरो आंदोलन का
ऐलान कर दिया। तो यहाँ पर इस्लाम कहाँ से आ गया? जाति दुश्मनी निकालने की कोशिश की। तो इसका मतलब है कि तौकीर जैसे लोगों को फंडिंग करने वाला कोई और नहीं गांधी परिवार है। मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर बात करती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी ब्लंट स्पीकर। जिसको इस बात पर कोई टिप्पणी करनी होगी या कोई FIR फाड़ना होगा फाड़े, मुझे भी कानूनी दाव पेच पता है, मैं कोई जाहिल तो बैठी भी नहीं हूं। जो लोग दम भरते हैं कि वो पैगामे मुगल हैं, अवेसी साहब, तो हमने तो अल कुरान में पैगामे रसूल पढ़ा, हमें अशरफुल मखलूकात बनाया गया पैगामे रसूल बनने के लिए, पैगामे मुगल बनने के लिए तो पूरे अल कुरान में कहीं पर नहीं है। षड्यंत्र बहुत सारे खेले गए नेहरू जी के जमाने से लेकर के राहुल गांधी तक, या सोनिया गांधी जी के आंचल से निकले हुए मनमोहन सिंह जी से तक। अब वो षड्यंत्र चलेगा नहीं। संविधान के पन्नों को पलट करके देखिएगा, जब हमारे देश के जवान किसी गैर देश की लड़की से शादी कर लेते हैं तो उसको जीरो ग्राउंड से उठा करके चेयर और टेबल पर बैठा दिया जाता है, है ना? तो जब हम अपने देश के हीरो और देश के जवान के साथ ये निर्णय संवैधानिक तरीके से लेते हैं, तो एक इटली की औरत पर ये देश कैसे उसके आंचल पे डाल सकते हैं? ये देश के नौजवानों को सोचना पड़ेगा। प्रियंका वाड्रा के जितने भी एक्वेंटेंस जो भड़काओबाज बादशाह लोग हैं, उनको उनका सिर्फ दो चैप्टर मैंने अभी खोला है, आने वाले वक्त में बहुत सारे चैप्टर्स खुलते हुए नजर आएंगे, और मैं उनको प्रियंका वाड्रा ही बोलती हूं। बिल्कुल, एक बात जानना चाहूंगा कि अभी हाल ही में जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला था जी। तो एक युवती जो मुस्लिम थी वो चल के अयोध्या तक गई जी। आप जैसे लोग सनातन की बात करते हैं जी। तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसमें जिनको ऐसा लगता है कि हमारे पुरखे हिंदू ही थी और ये देश हमारा है और ये देश हमारे ईमान से बड़ा है जी। तो ऐसी भावना रखने वाले कितने लोग हैं? क्योंकि आप देश भर में घूमती रहती है, लोगों से बातचीत करती रहती है, क्या लगता है आपको? देखिए, इसको बहुत आसान तरीके से समझा जा सकता है। जो लोग वंदे मातरम बहुत प्राउड फील करके बोलते हैं, उनके लिए देश सर्वोप्रिय है और सर्वप्रथम है, और उनका मजहब उनके घर के अंदर है। और जो लोग वंदे मातरम कहने ना कहने के लिए पार्लियामेंट के अंदर भी बहस करते हैं, इसका मतलब है कि उनके दिल में आज भी पाकिस्तान बस रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि एक अंडरकरंट विशेषकर मुस्लिम महिलाओं में ऐसा लग रहा है कि उनका झुकाव कहीं पर राष्ट्रवादी विचारों की तरफ हो रहा है। होना भी चाहिए। नहीं, ऐसा है, पहले नहीं था, पहले नहीं अब था। ये चित्र है, तो आपकी जानकारी क्या है? काफी, ये मैं पूछना चाहता हूं। काफी, अभी आप देखिए ना, यूसीसी के लिए 58.9% मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया है, 58.9% पूरे इंडिया में, पूरे भारत में। अभी महिलाएं सामने आकर के यूसीसी का समर्थन कर रही हैं, महिलाएं सामने आकर के कह रही हैं भाई ज्ञानवापी तो हमारे कुरान में ही नहीं है, ये तो संस्कृत वर्ड है। तो कहीं ना कहीं जो मैंने लोगों को और अपनी मुसलमान बहनों को जो मैंने समझाया है सोशल मीडिया के तहत और अपनी स्पीच के माध्यम से, वो उस पर होमवर्क कर रही हैं और वो समझ रही हैं कि हाँ ये सही बोल रही है। और आज मैं अकेली नहीं हूं, आज मेरे जैसी मुसलमान बेटियां आप तकरीबन 1-1.5 लाख आराम से पा लीजिएगा भारत के अंदर। जो योजनाएं आई हैं भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से और पसमांदा मुसलमानों के लिए, भारत के प्रधानमंत्री को कुरान के पन्नों को खोल करके बताना पड़ा कि भाई 800 बार तो इल्म की बात तुम्हारे कुरान में लिखी हुई है, कम से कम उसी को मान लो। तो कहीं ना कहीं मुसलमान महिलाओं को ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, बात तो वो सही बोल रहे हैं, बात तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं। जब सायरा बानो और शाह बानो तीन तलाक को लेकर के 1984 से रो रही थी, और 2017 में मेरा लास्ट पिटिशन 2015 में गया था तीन तलाक के खिलाफ, 2017 में हिस्टोरिकल वर्डिक्ट आया, उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली 2 साल मैंने अवेयरनेस कैंप किया, तब महिलाओं ने समर्थन किया कि नाजिया जी आप तो हमारे ही इज्जत के बारे में बात कर रही हैं। जब मैंने 2019 में पॉलीगेमी हलाला डाला और अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में है, मैंने अवेयरनेस कैंप किया, तब मुझे महिलाओं ने कहा ये तो आप हमारे इज्जत की बात कर रही हैं, हमारे इज्जत की बात कर रही हैं। तो आज महिलाएं बिल्कुल मतलब एम्पावर है, वो साथ है मेरे और वो मोदी जी के साथ है। और जो पुरुष है उनका क्या?
क्योंकि जब तक उनका एजुकेशन मदरसों में होता है तब तक तो उनकी आँख खुलेगी ऐसी कोई उम्मीद कर नहीं सकते। नहीं बिल्कुल, जब तक मदरसे बंद नहीं होंगे, और आसाम में बहुत खूबसूरत निर्णय लिया गया 1288 मदरसों को तोड़ करके मीडियम स्कूल बनाने की कोशिश की जा रही है, और मुझे लगता है धामी जी इस पर खरे भी उतरेंगे। और मेरा मानना है कि भारत में जितने भी मदरसे हैं उसको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम मुल्ला बनाने का नहीं है। सरकार अगर निर्णय लेता भी है या सरकार अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती भी है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो वो गरीब बच्चों, पसमानदा बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज बनाने की जिम्मेदारी ले सकती है। और हम उसके लिए हम एक एजेंडा रख भी सकते हैं सरकार के सामने, लेकिन मुल्ला बनाने का ये पाकिस्तान तो नहीं है ना। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे मदरसों को तोड़ देना चाहिए। आप देखिए, मुसलमान जो आने वाली पीढ़ी है वो शिक्षित होगी और वो बहुत बहुत खूबसूरत मिजाज की हो जाएगी। मदरसा एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर ये खूनी खेल और ये जिहादी एक्टिविटीज को सिखाया जाता है और समझाया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजी लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, और खासकर उनकी बुलंद आवाज में दिए गए उनके तगड़े और करारे जवाब आपको काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे, जहां पे उन्होंने मजहब के ठेकेदारों को आड़े हाथों लिया और खासकर भारत में रह रहे हिंदू और सनातन के विरोधियों की जम के बैंड बजाई। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है से लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।